गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तीजी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक दिखा देती हूँ मैं अपनी। मैं ले रही हूँ जीरा वाटर। तो डाइट करूँ या नहीं करूँ, तो मैं अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक लेती ही लेती हूँ। अगर बाय चांस नहीं होता, भिगोना भूल जाती हूँ, तो खाली वॉर्म वाटर ले लेती हूँ। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन मेरे को रहता है तो वो नहीं होता। और यहाँ मैं मतलब इंजॉय कर रही हूँ अपनी। 6:15 बज गए और बच्चों को उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से उठ जाएं। तो इतना जब तक कि उठते हैं, रेडी होते हैं, तो मेरी ड्रिंक जो होती है वो पूरी हो जाती है ख़त्म। और अभी नींद हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ बहुत है अभी इस टाइम। फिर आज 26 जैन है, मतलब 25th, तो स्कूल में पकौड़े शिकोड़े लेके जाना थे, पता नहीं क्या क्या लेके जाना था, पेस्ट्रीज, ढोकला, तो ये मैं सबकी तैयारी कर रही हूँ। तो वही सुबह पकौड़ों पर से हमारा घर में ना गैस भी ख़त्म हो गई, तो मैं इंडक्शन में ही कर रही हूँ रूम में रखकर। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, चलो कोई नहीं। और इनको स्कूल की ड्रेस नहीं पहन के जाना था, तो घर की ही पहन के जाना। अली बाय, अल्लाह हाफिज। हमारे जयान सबसे लास्ट में जाता है। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक में मैंने अपने कुछ भीगे हुए हैं ना ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। फिर ये मुंबई गए हुए, इन्होंने एक वीडियो भेजी थी, मुझे इतना अच्छा सीन लग रहा था ना, यहीं लेटे हुए थे, कह रहे थे ताज़ी हवा आ रही है, मैंने वीडियो भेजा, वीडियो कॉल कर रहा था, तो उन्होंने ये भेजी थी। वाकई में बहुत अच्छा नज़ारा है और काफ़ी फ्रेश हवा थी यहाँ पर, ठंडी ठंडी। फिर अली को आज मदरसे बिठाया मैंने फर्स्ट डेज का, तो आए मुझसे कह रहे मम्मी मैं सऊदी लग रही हूँ, अपनी सऊदी अरबी है, क्या बोल रहा था वो कि मैं ऐसा लग रहा हूँ। फिर आ गए थे मुंबई से, मुंबई से आए थे, उन्होंने मुझे अपना तून दिया। मैं क्या वाओ, मतलब डाइट शेक कोई नहीं करने देगा मेरे को, मतलब अब इनको पता है मेरे को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और फलतून वहाँ का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी भी होता है, काफ़ी वैराइटीज़ होती है, बट मुझे यही वाला पसंद है। वहाँ जमजम शॉप है, वहाँ का सबसे अच्छा होता है। तो मेरे ना यहाँ पर जब ये लेकर आया ना, मैंने फटाफट से खोला और मैं 3 खा गई, यकीन करना मैं 3 खा गई। डाइट शेक तो गई इधर साइड में, मैं 3 खा गई है। और मतलब मीठा भी एकदम परफेक्ट था, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा मतलब बहुत फीका। तो जी ये खा गई थी तीन। सापे बच्चे भी मेरे ऊपर ही जा रहे हैं मीठा खाने में, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए होता है। और यहाँ जयान खोल रहे हैं कि भाई मैं भी खाऊँगा जल्दी से बड़ोबर। तो इतने दिन ये रहते हैं मुंबई, कुछ काम होता है इनको तो चले जाते हैं ये, तो काफ़ी घर में सोफ्ट से सोफ्ता लगता है। मैं व्लॉग्स भी बनाए थे काफ़ी मैंने जब ये पिछली बार गए थे, बट अभी व्लॉग्स नहीं बन पाते मेरे से ज़्यादा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, काम भी होता है, फिर कैमरा रखो ये करो। तो चलिए फिर डिनर पर आ जाते हैं। डिनर में फिर मैंने खाया था रात में मटर पुलाव, साथ में पालक और चिकन पालक की सब्ज़ी थी, और साथ में रेड चटनी लहसुन की बनी हुई, थोड़ी सी इसमें टमाटर भी है। तो ये रहा मेरा डिनर। मतलब क्या होता है खाना वगैरह, मैं इतना वैसा नहीं खाती ना ज़्यादा खाती, बट बीच बीच में मीठा हो जाता। चलिए जी आ गया संडे। संडे की मैं नाश्ता वाश्ता करके हम निकल गए अपने बाइक के। तो यहाँ आज ना बारिश हो रही थी दिल्ली में, और देखिए कितनी कीचड़ कीचड़ हो रखी है। अभी ऑटो कर रहे हैं तो हम लोग ऑटो में ही जाते हैं, जब बाइक वगैरह मतलब हम दोनों होते हैं तो चले जाते हैं, वरना बच्चे के साथ कैसे बैठेंगे, तो इसलिए हम ऑटो कर लेते हैं। हाँ सही बात है, ऑटो ही करेंगे फिर तो, मैं भी क्या क्या बातें कर रही हूँ। फिर ऑटो करने का वेट कर रहा हूँ, आज ऑटो भी नहीं मिल रहा और बारिश हो रही है यहाँ पर, बच्चे भी गीले। मैंने बच्चों से बोल रही थी अंदर जाओ अंदर जाओ, लेकिन बच्चे भी कहाँ सुने। फाइनली और जो हो गया था 15 मिनट, तो बड़ी मुझे एक्साइटेड होती हूँ जब मैं संडे टू के संडे में मम्मी के जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सपूरों से मिलने का, मुझे बहुत सबसे ज़्यादा रहता है ये। जाती हूँ मैं कुछ नहीं करती, सीधा उसे गोद में लेती हूँ फटाफट मतलब, और बस क्या। अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, थोड़ा देख रही हूँ, ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बन नहीं पाता। ऑटो इधर से भी फेंक के इधर से भी फेंक के, और अली कह रहे हैं मुझे तो ठंडी नहीं लग रही। मैंने ना जयान का चश्मा लगा लिया। अब पता क्या होता था, मैं मतलब छोटी थी ना, तो मैं ना आँखें टेस्ट कराने जाती थी, या फिर ना मतलब जानबूझ के गलत बताती थी कि नहीं मैं चश्मा लग जाए। अब मैं कहती थी टीवी के आगे खड़ी मत हो, आगे खराब हो जाएगी, जानबूझ के टीवी के आगे खड़ो के टीवी देखती थी कि मतलब मेरा चश्मा लग जाए। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मौसम देखो कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छी अच्छी सी मीठी मीठी हवा लग रही, ठंडी ठंडी ठंडी। मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे बारिशें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अम्मी के घर के बाहर ना यहाँ पर आलू वगैरह, आलू की टिक्की वाला खड़ा रहता है, बहुत अच्छे आलू बनाता है ये, और इसने नया नया चालू करा है तो इसलिए अभी और अच्छी बना रहा है ये।
तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग पिछली बार आई थी तब भी मैंने यहाँ से लिए थे, उसके बाद आई थी तब भी मैंने यहाँ से लिए थे, फिर फैसल से यान को लेना आए थे, नानी का रुका हुआ था, मैंने इनसे भी मंगाए थे। बहुत ज़्यादा अच्छे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी। सबसे अच्छी बात, हाथों में इनके ग्लव्स होते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर बारिश हो रही है तो हाँ मज़ा ही आ गया था आलू खाने में गरम गरम। बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं आज तो, कल भी इनको पकौड़े शकोड़े दिए थे, आज भी ये फ्राई हो गया। चल कोई नहीं, देखने में भी कितने ज़्यादा, मैं टिक्की भी ली थी और मैंने आलू भी लिए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। अदरक शदरक पता नहीं और चुकंदर क्या क्या भी होता है वो भी डालते हैं, बट मैंने मना कर दिया था, मुझे ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ चटनी और ये क्या होता है ये सॉस, नहीं सॉस नहीं क्या होता है सॉल्ट, हाँ सॉल्ट मेरे को यही चाहिए, चाट मसाला थोड़ा सा, बाकी आलू तो हमने दोनों तरीके के ले लिए थे, सॉल्ट वाले भी चिकने वाले भी। फिर मैंने आलू ले लिए, लेकिन मैं बड़ी खुश हो रही थी मतलब छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और यहाँ रात के टाइम सब पूरा ऐसी सोती है, अपने अब्बा को नचाना चाह के, अपनी अम्मा को नचाना चाह के कि भाई मुझे चल चल के सुलाओ, तो ये मेरा भाई है मतलब इसको सुला रहा है चल चल मुझे हंसी आ रही थी, मैंने इसकी वीडियो बना ली, बस अब ये इसको सुलाएगा हम निकलेंगे अपने घर के लिए। अब हमने ऑटो कर लिया, ये सब खड़े हुए बाहर, और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मैं नंद का वेट कर रही हूँ, नंद साथ में जाएंगी मेरी, देखिए कितनी तेज़। और बहुत अच्छा सा मौसम है, मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। अब भाई अब है 31st of January का दिखा रही हूँ, रात का ही है, अली का बर्थडे था तो ना नहीं थी दूसरी, तो बच्चे भी मतलब 12 बज गए थे रात को, तो ये सब इसको विश कर रहे हैं, और ये दोनों भाई इसके लिए गिफ्ट लाए थे, इन्होंने एकदम छीन लिया तो ये खुश हो गया था क्योंकि साथ में बच्चे थे खेल रहे थे इसके साथ, और सही 12 बजे बाकी जो सब बड़े हैं वो सब रूम में है, सब बात कर रहे हैं अपनी अपनी, यहाँ बच्चे खेल रहे थे, मैंने चलो बच्चों की वीडियो बना लूँ। और केक शेक कट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, बस ये भी जो बच्चा कहेगा खाने के लिए वो हम इसको खिलाएंगे या पार्टी शार्टी कुछ भी दे देंगे, लेकिन केक मैं नहीं कट करती। पहले मेरा हर साल मेरा बचपन से केक कट होता आया है, अभी मैं 2 साल से अपना कट नहीं कर रही बिल्कुल भी। तो चलिए ये छोटा सा अगरम शगरम जैसा भी ब्लॉग था, कोशिश करती हूँ बनाने की छोटी छोटी जो होती हैं मतलब खुशियाँ आपके साथ शेयर करने की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। और जी मैं इतनी जल्दी दोबारा से स्टार्ट करूँगी, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच बीच में, मैं नहीं कर पाती, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ आपके साथ और वेट लॉस करूँ। तो चले अली तो अभी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं वीडियो में उसको एक वॉच मिली थी और एक और गिफ्ट रखा हुआ भी खोलेगा। वॉच जो है वो जियान ने दी थी स्पाइडरमैन वाली, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा ये पसीनों में इतना हो रहा है उससे ज़्यादा। चलिए यही थी मेरी वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर।